कैन क्लास सिक्स लेसन वन पार्ट थ्री हिस्ट्री कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जब हम कठोर सरफेस पर कुछ खोद कर लिखते हैं तो हमें क्या कठिनाई होती है और क्या लाभ होते हैं? लाभ यह है कि कठोर सरफेस पर लिखा हुआ जल्दी मिटता नहीं है, वो कई सौ वर्षों तक बाद में भी इसको पढ़ा जा सकता है। और कठिनाई ये है कि कठोर सरफेस पर लिखने में समय बहुत लगता है और बहुत लिखने में कठिनाई होती है। देयर वेयर मैनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि पास्ट में यानी प्राचीन काल में प्रयोग की जाती हैं, जाती थी, और उनको देखकर हम जान सकते हैं कि उस समय कौन कौन चीजें प्रयोग की जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इन चीजों का अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता यानी पुरानी चीजों को पढ़ने वाले, उसके बारे में जानने वाले आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। वे पत्थर और ईंट की से बनी हुई इमारतों के खंडहर, जो बचे हुए भाग हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, पेंटिंग मतलब चित्रकारी और मूर्तिकारी, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वे खोज करते हैं और जमीन की खुदाई भी करवाते हैं। टू फाइंड टूल्स वीपन्स पॉट्स पैंस ऑर्नामेंट्स एंड क्वाइंस, ताकि वे औजारों का, हथियारों को, बर्तनों को, कढ़ाई मतलब बर्तन बड़ुए और ऑर्नामेंट माने आभूषण ऐसे पहनते थे, कैसे सिक्के थे, इन चीजें ऐसी होती हैं जो मजबूत धातुओं और पत्थरों की बनी होती है, तो अधिक समय तक टिकने वाली चीजों का भी अध्ययन करते हैं। जमीन की खुदाई करके ये चीजें प्राप्त करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की बनी होती हैं। अदर आप बोन, कुछ हड्डी की बनी होती हैं। बेक्ड क्ले आर मेटल, और कुछ मिट्टी को पकाकर बनाई जाती हैं, या कुछ धातुओं की बनी होती हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेज यूजली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसी वस्तुएं जो कठोर धातुओं की बनी होती हैं या जो नष्ट नहीं जल्दी होती हैं, ऐसे पदार्थों की बनी होती हैं, ये अधिक लंबे समय तक जीवित रहती हैं, और इन्हीं का आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता लोग अध्ययन करते हैं। ये देखिए पाठ है और ये सिक्के हैं, तो इसके बारे में लिखा है, लेफ्ट बाई ओर ए पार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पुराने शहर से एक बर्तन। पार्ट्स लाइक दीज वेयर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, ऐसे बर्तन लगभग 4700 ईयर्स एगो प्रयोग किए जाते थे। राइट दाहिनी ओर एंड ओल्ड सिल्वर क्वाइन, एक पुराना चांदी का सिक्का है। क्वाइन सच एज दिस वन, जैसे कि ये सिक्के हैं, वेयर इन यूज फॉर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, ऐसे सिक्के 2500 वर्ष पहले इनका प्रयोग किया जाता था। इन व्हाट वेज इज द क्वाइन डिफरेंट फ्रॉम द क्वाइन वी यूज टूडे, ये किस तरह से सिक्के जो हम आजकल सिक्के प्रयोग करते हैं उनसे कितना भिन्न है, ये पूछा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड वर्ड्स, जो पुरातत्ववेत्ता लोग हैं वो हड्डियों को भी चेक करते हैं, जो हड्डियां जानवरों की हैं या चिड़ियों की हैं, या मछलियों की है। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये पता लगाते हैं कि लोग उस समय क्या क्या चीजें खाते थे। पीपल रिमेन सर्वाइव फॉर मैनी मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन आर
पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड। प्लांट, ऐसे पेड़ पौधे अधिक समय तक जीवित रहते हैं अगर उनके बीजों को या अनाज के हो या उनके लकड़ी के टुकड़ों को जला दिया जाए। एंड दे सर्वाइव इन द चैर्ड फार्म, और वे लकड़ी से कोयला या जले हुए रूप में जीवित रहते हैं। उनको चेक करके वो जानते हैं कि क्या चीजों की ये किस चीज का कोयला या राख है। डू यू थिंक क्लोज इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट, क्या तुम जानते हो कि क्या पुरातत्ववेत्ता लोग कपड़ों को पाते होंगे बार बार? नहीं, क्योंकि कपड़े उस समय काटन के बने होते थे और सूती कपड़े जल्दी नष्ट हो जाते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर हु स्टडी इन पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू दीज टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैनुस्क्रिप्ट। इतिहास को लिखने वाले या इतिहास का पता लगाने वाले जो विद्वान लोग थे, जो इन पास्ट के बारे में अध्ययन करते थे, वो जिस चीज से ये सूचना प्राप्त होती थी या मैनुस्क्रिप्ट जिस पांडुलिप से वो सूचना प्राप्त करते थे उसको वो सोर्स कहते थे, यानी साधन, संसाधन। इंस्क्रिप्शन माने शिलालेख, एंड आर्कियोलॉजी और लर्निंग आर्कियोलॉजी मतलब भूमि से प्राप्त, खुदाई से प्राप्त चीजों का अध्ययन करके। वन सोर्स आर फाउंड, एक बार जब किसी स्रोत का पता लग जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, तो प्राचीन काल के बारे में अध्ययन करने में एक साहस यानी एक अच्छा कार्य बन जाता है, साहसपूर्ण कार्य, मतलब उसका पता लगाने में थोड़ी रुचि भी बढ़ती है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, क्योंकि इसको हम थोड़ा 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 जोड़ करके निर्माण करते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, इसलिए इतिहास को लिखने वाले या पुरातत्ववेत्ता लोग एक खुफिया जासूस के समान होते हैं। हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट अवर पास्ट, जो इन संसाधनों का प्रयोग हमारे प्राचीन काल के बारे में, इतिहास के बारे में जानने में करते हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि हम कैसे पता लगाते हैं पास्ट के बारे में, पहले तो पुरानी किताबें पांडुलिपि पढ़ के, दूसरा कि इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेखों को पढ़ के, और तीसरा खुदाई करके जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका अध्ययन करके। वन पास्ट आर मैनी, एक पास्ट माने पुराना इतिहास, एक होता या बहुत होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का इतिहास अलग अलग। जैसे डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस किताब का जो टाइटल है अवर पास्ट मतलब हमारे बहुत से पुराने इतिहास, इस पर ध्यान दिया है? ये पास्ट क्यों नहीं लिखा सिंगुलर में, ये प्लूरल में पास्ट क्यों लिखा? वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रा अटेंशन टू द फैक्ट, हमने पास्ट शब्द का प्रयोग किया है प्लूरल में किया है ताकि हम आपके ध्यान को इधर ला सके। आप दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कि प्राचीन काल जो इतिहास था वो अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग तरीके था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द लाइफ ऑफ हर्डरर्स एंड फार्मर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। हर्डरर्स संग्रह करने वाले या किसानों का जीवन जो था, जो लोग राजा और रानियां थे उनके जीवन से भिन्न था। द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन सो ऑन। तो क्राफ्ट वाले व्यक्तियों से और किसानों का जीवन, व्यापारियों का जीवन ये अलग था। इस तरह से सबका जीवन हर समुदाय का अलग अलग था, इसलिए कई पास्ट है। एंड सो ऑन, और एंड आल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, और आज भी ये सच है कि हर समुदाय का जीवन अलग अलग है।
पीपल फॉलोड डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। देश के भिन्न भिन्न भागों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को मानते हैं, उनको अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टुडे आज मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड, अधिकांश लोग जो अंडमान आइलैंड यानी टापू पर रहते हैं, गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वे अपना अधिकांश भोजन मछली मारना, शिकार करना या जंगल की चीजों को इकट्ठा करके पाते हैं। बाय कंट्रास्ट, ठीक इसके विपरीत, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज, शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड, भोजन की सप्लाई के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं। डिफरेंसेज बी सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, इसी तरह के अंतर प्राचीन काल में भी पाए जाते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, तो देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, दूसरे प्रकार के भी अंतर पाए जाते हैं। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स, हम राजाओं के बारे में, उनके युद्धों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। दे फॉट, जो युद्ध लड़े गए, बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड फॉर देयर विक्ट्रीज, क्योंकि वे अपनी विजय का रिकॉर्ड यानी लेखा जोखा रखते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फ्लॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, सामान्यतः जो शिकारी थे या जो मछली मारने वाले लोग थे या जो संग्राहक थे या जो किसान थे, हर्डरर्स जो इकट्ठा करने वाले लोग थे, ये अपने जो कार्य करते थे अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, जबकि आर्कियोलॉजी यानी ये लोग, इसके द्वारा हम इन लोगों के जीवन के बारे में भी जान जाते हैं। देयर इज मच दैट रिमेन्स अनोन, और बहुत सारी चीजों का हम पता भी लगाने में असमर्थ रहते हैं। व्हाट डू डेट मीन, डेट का क्या अर्थ है? इफ समबडी आस्क यू डेट, अगर कोई तुमसे डेट के बारे में पूछता है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, तो संभवतः तुम दिन के बारे में बताओगे कि कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, जैसे 2000 ईयर एंड समथिंग, और कुछ इसी तरह बताओगे। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये तारीखें जो है सामान्य रूप से ईसा मसीह के जन्म से आंकी जाती हैं। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह, उनके जन्म से मानी जाती हैं। सो 2000 मींस 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसलिए 2000 का मतलब है ईसा मसीह के जन्म लेने के 2000 वर्ष बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर BC, और वो तारीखें जो ईसा मसीह के जन्म के लेने के पहले लिखी हैं, उनको हम BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले, इस तरह से उनको लिखा जाता है। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, इस तारीख में जो डेटे लिखी हुई हैं, उनको हम 2000 का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब 2000 पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म लेने से 2000 वर्ष बाद।